आई डोंट नो द रीजन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना मुझे रीजन पता है ना मुझे बताया जाता है, और जो भी बताया भी जाए जा रहा है रीजन, वो भी अब अनसेटिस्फाइड हूँ मैं उन रीजन से. लेकिन यही है कि जो मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे मिलके रहेगा, चाहे जो मर्जी कोई कर ले, होना तो वही है जो अल्लाह ने लिखा. नहीं, मुझे कोई वजह नहीं बताई जा रही. जब भी टीम अनाउंस होती है उसके बाद ही मैं खुद ही पूछता हूँ सबसे. सो आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डील किया जा रहा था और डील किया जा रहा है. सो मुझसे किसी ने टीम अनाउंस होने से पहले किसी ने भी मुझसे बात नहीं की. टीम अनाउंस होती है तो मैं ही सबसे बात करता हूँ फोन करके, हाँ जी भाई मसला बताएं, क्यों है, कैसे है, क्या है रीजन. सो कभी कभी रिप्लाई दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते. क्या था, बीइंग अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर इन द टीम, व्हिच आई डोंट थिंक के आई एम अ नेगेटिव इन्फ्लुएंसर इन द टीम. इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ, मैं दुनिया में जिस जगह भी लीग खेलता हूँ, जिस जगह भी जाके खेलता हूँ, दे ऑलवेज कॉल मी नेक्स्ट ईयर. आई हैव नेवर चेंज्ड अ टीम, जिस भी लीग में खेला हूँ मैं जाके, क्योंकि दे लव मी सो मच. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर बन के जाता हूँ और वो मुझे हर साल वही अप्रोच करते हैं और मैं उसी टीम से कंसिस्टेंटली रेगुलरली खेलता हूँ. सो आई डोंट थिंक पहला रीजन तो ये नलिफाई हो जाता है कि बीइंग अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन द टीम. आई डोंट नो, फिटनेस का काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल कर देते हैं, कह देते हैं, हो जाता है. सो मुझे देखें, सच्ची मैं आपको बात बताऊँ, मैंने पाकिस्तान को डिग्निटी और प्राइड और मेरी इज्जत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं डिग्निटी और प्राइड से ही खेला हूँ पाकिस्तान से और खेलूँगा. तो इसलिए मुझे जब आंसर्स मिलते हैं तो मैं उसमें समटाइम्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, लेकिन अब जो रिसेंटली है अब तो मुझे मैं बिल्कुल ही अजीब से फील करता हूँ, अच्छा यार चलो यही बात इन्होंने करनी है तो करते हैं, कोई मसला.